अगर राहुल ने दिया इस्तीफा तो ये चार नेता बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। चौथा है सबसे दमदार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल पर। दोस्तों, एक तरफ लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में करारी शिकस्त मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल नहीं तो फिर कौन? ऐसे में चार दिग्गज नेताओं के नाम सामने आते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शशि थरूर। नंबर एक, जानिए कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद अमरिंदर सिंह अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी राजनीतिक कुशलता और सूझबूझ के चलते उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान दी जा सकती है। नंबर दो, युवा नेता सचिन पायलट। पार्टी के युवा चेहरा सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी हैं। वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। कुशल राजनीतिक होने के चलते सचिन पायलट को भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। नंबर तीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो पार्टी के बड़े नेता और राहुल के करीबी माने जाते हैं। पिछले साल सिंधिया और कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। ऐसे में अगर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। नंबर चार, शशि थरूर। चौथे और सबसे दमदार नेता है शशि थरूर। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। वो एक कुशल वक्ता हैं और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। ऐसे में उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान दी जा सकती है। दोस्तों, आपके अनुसार अगर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो इन कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे चुना जाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।